एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। गाइस, व्हाइट हेयर या ग्रे हेयर की प्रॉब्लम से काफी लोग परेशान हैं। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताने वाली हूँ जिनमें व्हाइट हेयर या ग्रे हेयर को नेचुरल तरीके से जड़ से ही काले निकालने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब हमारे बाल व्हाइट निकलने लगते हैं तो हम उस पर हीना यानी मेहंदी या कोई होम रेमेडी या हेयर डाई लगाने लगते हैं। उससे होता क्या है कि आपके बाल टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए तो ब्लैक हो जाते हैं, पर कुछ टाइम बाद जब बालों की ग्रोथ होती है तो वो जड़ से व्हाइट ही निकलते हैं। उसका कारण यह है कि हमारे बाल जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी से व्हाइट हुए हैं वो उन्हें नहीं मिल पाते हैं और बाल न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति ना होने की वजह से और तेजी से व्हाइट निकलने लगते हैं। हमें करना ये चाहिए कि जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमारे बाल व्हाइट निकल रहे हैं उन न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। जब हम रेगुलर इन न्यूट्रिएंट्स का सेवन करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे बालों में न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी होने लगती है। सबसे पहले तो व्हाइट हेयर निकलना बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे जो बाल व्हाइट हो गए हों वो जड़ से ही काले निकलना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से हमारे सारे व्हाइट हेयर ब्लैक हो जाते हैं और हमें कभी भी कोई भी होम रेमेडी या हेयर डाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन सब चीजों से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज लाइक तो जरूर कीजिए। अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंच सके इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं साझा ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कीजिए साझा ज्ञान चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन हेल्थ टिप्स की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हमारे बाल व्हाइट होते क्यों हैं। इसके कई रीजंस होते हैं। स्मोकिंग, जेनेटिक्स, स्ट्रेस, विटामिन डी, विटामिन बी और ऑक्सीडेटिव डैमेज। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें बालों को नेचुरल तरीके से जड़ से काला निकालने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आमंड यानी बादाम। हमारे बाल केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं, प्लस सेम प्रोटीन के ही हमारे स्किन एंड नेल्स भी बने होते हैं। बादाम में काफी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, इसलिए हेयर ग्रोथ प्लस स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। बादाम में मौजूद प्रोटीन से न्यू हेयर ग्रो होने में हेल्प मिलती है। बादाम में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, विटामिन ई से भरपूर होते हैं जो खुद एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से स्किन और बालों को होने वाले डैमेज से बचाता है और बाल वाइट नहीं होते। बादाम में मौजूद मैग्नीशियम और विटामिन बी बालों के लिए हर तरह से अच्छा होता है, जिससे हेयर की ग्रोथ अच्छी होती है और हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम नहीं होती और स्ट्रेंथ मिलती है। विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट बादाम की ब्राउन लेयर में होते हैं, इसलिए बादाम को छिलका उतार कर ना खाएं। अगर आपको नेचुरल तरीके से बालों को जड़ से ही काला निकालना है तो आपको अपनी डाइट में रेगुलर बादाम इंक्लूड करना चाहिए। सेकंड, सेसमे सीड्स यानी तिल के बीज। तिल के बीज बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनमें एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जिससे ये सर में होने वाले इन्फेक्शन और कभी कभी स्कैल्प में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको भी ये ठीक करता है। फैटी एसिड होने की वजह से ये हेयर की ग्रोथ, कंडीशनिंग और नरिश करने में बहुत अच्छा काम करता है। इसमें हेयर को ब्लैक और डीपली कंडीशनिंग करने की प्रॉपर्टीज भी होती है। प्रोटीन होता है जो बालों के लिए हर तरह से अच्छा होता है। ये स्ट्रेस को दूर करता है, ये मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक करता है और बॉडी को रिलैक्स फील कराता है। अगर आपको अपने व्हाइट हेयर या ग्रे हेयर को जड़ से नेचुरल तरीके से काला निकालना है तो आपको इसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स आपके बालों को जल्दी काला निकालने में हेल्प करेंगे। थर्ड, आंवला। आंवला सबसे बेस्ट है बालों को जड़ से नेचुरल तरीके से काला निकालने के लिए, बिकॉज इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। लेकिन आपको आंवला कैसे लेना है ये मैं आपको बताऊंगी। आपको आंवले का मुरब्बा नहीं खाना है, आपको ये आंवले की चटनी बनाकर खानी है। ये आंवले की चटनी कैसे बनेगी, इसको बनाने का तरीका मैंने इससे पहले वाली वीडियो में सिखा दिया था। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहाँ से चेक कर सकते हैं। जब हम आंवले का मुरब्बा बनाते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग के दौरान आंवले में से बहुत सारे विटामिन निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आंवले का जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। इस आंवले की चटनी में कुछ भी विटामिन वेस्ट नहीं होते और आंवले का भरपूर बेनिफिट हमें मिलता है। इनफैक्ट मेरे खुद के बाल टीनेज में ही वाइट होने लगे थे, तब मैंने आंवला की यही चटनी
खानी शुरू की थी और मैंने इसे रेगुलर खाया था और उसके बाद मेरे व्हाइट हेयर निकलना बंद हो गए थे और जो व्हाइट हो गए थे वो भी धीरे धीरे सब ब्लैक हो गए और मैं इतना खुश होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैंने देखा कि बहुत लोग व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि आपके बाल भी मेरी तरह ब्लैक हो जाएं। आंवला में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, ये बालों को नेचुरल तरीके से जड़ से ही काला निकालने में हेल्प करता है, ये बालों में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर देता है। वैसे तो इस आंवले की चटनी से ही आपके व्हाइट या ग्रे हेयर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट अगर आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए तो आंवला के साथ आपको ये दो चीज़ें भी अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए जिससे आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा और आपके ग्रे या व्हाइट हेयर में जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी आ गई है वो जल्दी पूरी हो जाएगी और कमी पूरी होते ही आपके व्हाइट हेयर निकलना बंद हो जाएंगे और जो व्हाइट हो गए हैं वो भी जड़ से ही काले निकलना शुरू हो जाएंगे। आप खुद इन्हें अपनी आंखों से जड़ से काला निकलता हुआ देखोगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी और अगर मेरी इस वीडियो से आपके लिए हेल्प होती है और आपके वाइट बाल ब्लैक होते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इतनी अच्छी वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है और अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंच सके इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक अच्छी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।